शादी का लड्डू। एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शिखा को लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। पता है शिखा, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। अगर ये हाँ बोल देना तो सोच की बन गई तेरी किस्मत। वाजी वाह, लड़के ने हाँ कर दी तो किस्मत, और ना कर दी तो तू जाने दोगी ना दोस्तों के साथ ऋषिकेश? बोलो माँ। अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, जब देखो तब घूमना। अरे तेरी उम्र में तो मेरे बच्चे हो गए थे। तभी अभी अपने परिवार के साथ आ जाता है। वो शिखा की ओर देखता ही नहीं है, जबकि शिखा उसे घूर रही होती है। अरे शिखा, अभी को घर दिखाओ। अरे नहीं नहीं आंटी। अरे जाओ ना, घर देख कर आओ, शिखा से बात भी कर लेना और समझ भी लो एक दूसरे को। शिखा, जिसे पहले भी कई लड़के देख कर जा चुके थे, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। ये टेरेस है, यहाँ से शहर का सबसे अच्छा व्यू दिखता है। मुझे व्यू देखने का बड़ा शौक है। देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शिखा अभी की तरफ देखने लगती है। अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ नहीं मान रही है, इसलिए रोज एक लड़की दिखाने ले जाती है। देखो तुम मना कर देना। हेलो मिस्टर आशिक, मैं क्यों मना कर दूं? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मना कर दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी कर देना, कल मुझे दोस्तों के साथ जाना है कहीं। देखो मैं मना करूंगा तो माँ को शक हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? फुकट में टाइम खराब कर दिया। दोनों नीचे आते हैं, जहाँ अभी का मुंह लटका होता है। आओ बेटा, कैसा लगा घर? माँ मुझे अभी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो बेटी। वो ठीक कह रही आंटी, मैं भी इससे शादी नहीं कर सकता। सभी चले जाते हैं। माँ, उसका कहीं और प्यार व्यार चल रहा था, बोला तुम मना कर दो तो मैंने मना कर दिया। झूठ बोल रही है तू, मुझे तो लगता है कि तेरा ही कहीं। तौबा तौबा माँ, कैसी बात कर रही हो। अब जल्दी से मैं चली पैकिंग करने। वहीं अभी के घर उसकी माँ। देखा, उस लड़की ने खुद ही मना कर दिया। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस लड़की के पीछे तू लगा है वो जानता भी है कैसी है। बेटा वो तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है सिर्फ, क्यों समझ नहीं रहा? शिखा जैसी लड़कियाँ जिस घर की बहू बनेगी उजाला करेगी घर में। लेकिन माँ रिमी भी अच्छी लड़की है, एक बार मेरे कहने पर मिल तो लो उससे। ले आना कल। अभी खुश हो जाता है और अगले दिन रिमी को लेकर माँ के पास पहुँचता है। पता है रिमी, कल माँ फिर एक लड़की को दिखाने ले गई थी। मैंने तो उस लड़की से साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ की उम्र हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता, ना खुद चैन लेगी ना लेने देगी। तभी वहां माँ आ जाती है। किसके चैन की बात कर रही हो रिमी? अभी मुझे जरा पानी ला दोगी प्लीज, मैं तब तक आंटी से बात करती हूँ। ओके ठीक है माँ, प्लीज रिमी को समझने की कोशिश करना। एंड रिमी बी स्वीट एज यू आर। अभी चला जाता है, लेकिन फिर वो किसी काम से वापस माँ के पास आता है, जहाँ उसके कान में रिमी की आवाज पड़ती है। देख बुढ़िया, तुझे सास बनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन करो क्या, तेरे बेटे से मोटी पार्टी कोई समझ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ अभी आ जाता है। ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? चिल्लाओ मत, मैं किसी की ऊंची आवाज नहीं सुन सकती। माँ आप इस लड़की के बारे में सच बोल रही थी, निकल जाओ मेरे घर से। रिमी के जाने के बाद माँ मैं इसे बहुत अच्छी लड़की समझता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, तू जा कहीं घूम कर आ। अब क्या, एक और शिखा निकली ऋषिकेश के लिए, तो अभी भी वहीं आ जाता है और दोनों का आमना सामना हो जाता है। अरे तुम यहाँ, क्या बात है, कहाँ है तुम्हारी वो दोस्त? अब वो तो वहीं है, मैं तो बस अकेला ही आ गया। ओह तो तुम हमारे ग्रुप के साथ आ जाओ ना, अगर तुम्हारी वाली को बुरा ना लगे तो। अभी को अब शिखा के मुंह से ये बात पसंद तो नहीं आती है, लेकिन बेचारा कहता भी तो क्या। हाँ अब क्या, शिखा के साथ बिताए 2 दिन में ही अभी को उससे प्यार हो जाता है। तुम कितना रसीला गाना गाती हो। वैसे तुम भी कम अच्छा नहीं गाते। हाँ कॉलेज में स्टेज पर गाता था। वहीं से तुमको प्यार भी हुआ होगा, वैसे तुम बहुत डेडिकेटेड हो।
देखो मैं अब उस रिश्ते में नहीं हूँ। और अभी शिखा को सारी बात बता देता है। अरे ये क्या बात हुई, ऐसे तो फिर मैं ही अच्छी रही जो इन सब चक्करों में पड़ी ही नहीं। हाँ ये तो है, तुम तो अच्छी हो ही। तो क्या मैं घर आकर बात कर सकता हूँ तुम्हारी मम्मी से हमारी शादी की? शिखा को भी अभी पसंद आ गया था, वो शर्मा जाती है। घर आकर अभी माँ से सारी बात करता है और शाम को सभी शिखा के घर जाते हैं जहाँ दोनों की शादी तय हो जाती है। जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है, शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं, जीने का असली मजा तो गांव में है। क्यों क्या हुआ माँ जी, आज गांव की बहुत याद आ रही है आपको? अरे हाँ बहू, शहर का जीना भी कोई जीना है, लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्रैफिक में निकल जाती है और यहाँ रखा ही क्या है। एक बात कहूं, दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ, जब देखो गांव के गुणगान गाती रहती हो। ठीक है, इस बार ना बच्चों के कॉलेज की छुट्टियों में हम सब गांव चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। पर कुछ दिनों के बाद सारा परिवार अपने गांव चला जाता है। अरे वाह, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शांति है यहाँ। चल बहू, अब बढ़िया सा खाना बना दे, मजे से आंगन में बैठ के खाएंगे। सुशीला गांव का माहौल देख बड़ी खुश होती है। दो दिन के बाद गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आती हैं। बड़े दिनों के बाद गांव आई है सुशीला, हमें तो लगा कि तू शहर जाके गांव को भूल गई। और बतिया तेरी बहू कैसी है, जरा मिलवा तो उससे। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे जानकी जैसी बहू मिली है, हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है और आज तक कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने। सुशीला की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कुछ अभी बोले जा रही है, तबीयत तो ठीक है? तेरी बहू चांद से आई है क्या? क्यों बहनों, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या? सब औरतें ममता की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन। मैं तो एक बिल में 1000 सांप के साथ रह सकती हूँ लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती। हाँ तूने सही कहा, मेरी बहू तो तेरी बहू से भी 2 कदम आगे है। सब औरतों की बातें सुनकर ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये गांव सुधर गया लेकिन औरतें नहीं सुधरी, अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर सुशीला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है। अरे बहू जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे, उन औरतों की फालतू बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया है, इस गांव की औरतों का तो भगवान ही मालिक है। फिर अगले दिन सुशीला की सास उससे कहती है। अरे बहू तू यहाँ क्या आराम फरमाने आई है, आखिर ये तेरा ससुराल है, चल चल घर के कामों में हाथ बटा, शहर में कुछ काम धाम तो करते नहीं है, जरा अपने आप को तो देख कितने मोटे हो गई है। सारा दिन घर का काम करने के बाद शाम को सुशीला, हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया, आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी, अरे बहू जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे। जी माँ जी अभी आती हूँ। तभी सुशीला की सास जानकी को रोकते हुए कहती है। अरे रुक जा बहू,
एक दिन काम करके इसको इसकी नानी याद आ गई। हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुशीला अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव आने के बाद सुशीला की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी क्योंकि आज संडे है। सुशीला जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी बिजली कट जाती है। अरे सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था, इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, अरे पता नहीं ये गांव कब सुधरेगा। अरे अब तो दो दिनों के लिए बिजली को भूल जा, ये तो यहाँ रोज की बात है। अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले। हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा, ऊपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरी तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशीला तंग आ जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है। क्यों माँ, मजा आ रहा है ना? अरे आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? मुस्कुराइए, अब हम गांव में हैं। मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है। हाँ हाँ माँ जी, आप ही तो यहाँ की बड़ी तारीफ कर रही थी, फिर अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली है ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैं एक दिन और यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी, मुझे शहर ले चलो। क्या दिन थे, कितनी सुखी थी मैं वहाँ। ठीक है माँ, हम कल ही वापस शहर चले जाएंगे। इस तरह सुशीला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गांव जाने की जिद नहीं करती। शीशे की बहू। देखो, साफ साफ बोलने वाला इंसान तो हर किसी को पसंद है, लेकिन कोई इतना भी साफ बोले तो क्या होगा? वो माँ जी, आप ना प्लीज मुझसे तमीज से बात करिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आप तमीज से बात ना करें तो मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूं। हम माँ जी, मैं रोज रोज इतनी भारी खटिया कैसे खड़ी करूंगी, समझ रही है ना? अरे क्या क्या बोली जा रही है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं तो साफ बात करती हूँ, आप तो जानती है ना मुझे बात को घुमाना नहीं आता। अरे तुझे बात नहीं घुमानी आती तो मुझे हाथ घुमाना आता है बहू, टेंशन ना ले। और हाँ, इस घर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी खटिया खड़ी कर दे, समझी? जा कर काम कर। बहू किचन में चली जाती है, सामने खड़ी होती है काम वाली, धीरे धीरे हंस रही होती है। काम वाली हो, महारानी बनने की कोशिश मत करो, समझी? और सुन, ये मेरी सास शादी के पहले ऐसा तो नहीं बोलती थी ना कि बहू आ जाएगी तो तेरा काम खत्म हो जाएगा, क्यों? वो तो ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन जिस तरह आप बोलती हो ना भाभी, ये आसार भी जल्दी आ जाएंगे। ए, चुप कर, काम कर अपना। वैसे तुझे मेरी माँ ने देखा था शादी के वक्त। अच्छा, तो क्या कह रही थी भाभी वो? यही कि नौकरानी के लिए तेरी सास बनारसी साड़ी मांग रही है। और नौकरानी की शक्ल तो देखो। इस शक्ल में कहां से ये बनारसी पहनेगी। नौकरानी को गुस्सा आ जाता है। उसी शक्ल में जिस शक्ल में आप ये सिल्क पहनकर घूम रही हो। वैसे बनारसी मांगकर मुझे तो गंदी सी काटन पकड़ा दिया था इसने। अभी बात करती हूँ। और क्या बात कर, हम लोगों से तो बोला था कि नौकरानी बहुत प्यारी है हमारी, 10 साल से काम कर रही है, तो उसके लिए कम से कम बनारसी तो चाहिए ही चाहिए। मेरी माँ से 25,000 की साड़ी ली थी तुम्हारे नाम से। नौकरानी चढ़ जाती है झाड़ पर, वो तो सास से लड़ने पहुंच जाती है। क्यों मालकिन, बहू की माँ ने मेरे लिए भी कुछ भेजा था, दिया नहीं आपने? हाँ हाँ दिया तो था, 200 रुपए की साड़ी दी थी, वो तो मैंने अपने पास से तुझे एक्स्ट्रा दिया था। तभी बहू आ जाती है। कैसी बात करिए माँ जी, माँ ने तो आपको इनके लिए 25,000 की साड़ी दी थी। देती क्यों नहीं? देनी ही पड़ेगी, वरना मैं कल से नहीं आएगी काम पर।
हाय रे, 25,000 की साड़ी तेरी माँ देगी, वो भी नौकरानी के लिए। अरे साड़ी से 2,000 की साड़ी बनारसी मेरे लिए लाई थी, मुझे नहीं आई पसंद, तो कहती है या तो पहन लो या नौकरानी को दे दो। अब जैसी थी रख ली, नौकरानी के लिए तो 200 की साड़ी दी थी तेरी अम्मा ने। देख मेरे पास तो वीडियो भी है देते हुए। ये बोलकर सास नौकरानी को मोबाइल में वीडियो दिखा देती है। हाय रे भाभी, शर्म कर लो शर्म, कैसा गेम खेल गई तुम तो, बाहर से तो बड़ी सीधी दिखती हो मालकिन। अब मुझे जो मेरी माँ ने बोला था मैंने बता दिया, वैसे भी ना मुझे बात को घुमाने की आदत तो है नहीं। बहू साफ बोलती थी, उसे जो उसकी माँ बोलती बता देती, लेकिन अब घर में क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। कितनी सुंदर हो तुम सांवली, पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सांवली क्यों रखा। वो क्या था ना, जब मैं पैदा हुई थी तो रंग थोड़ा दबा था लेकिन बाद में खिल गया। वैसे तुम्हारे घर में सबका रंग काला सा क्यों है? वो मेरी माँ काली थी, पापा तो गोरे थे लेकिन सब माँ पर चले गए इसलिए, लेकिन फिर भी फीचर शार्प है हम लोगों के। हाँ क्यों नहीं, वो तो है सांवली सलोनी। अगले रोज बहू काम कर रही थी कि सास, वो मिश्रा की बहू कितनी चमकती है, पता नहीं क्या लगाती है। माँ जी क्या करना है चमक कर? आप लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, काले काले। काले काले से क्या मतलब है बहू, अरे बस रंग हल्का सा दबा है। हाँ माँ जी, मैं वो नहीं कह रही हूँ, वैसे पापा जी का तो वो भी नहीं है, गोरे हैं पापा जी। ये भी कह रहे थे कि आपके कारण ही वो काले हैं, क्योंकि आप काली हैं ना, तो मैंने कहा कि। क्या कहा इसने, मेरे कारण? अरे जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, उसे पल भर में ब्लेम कर दिया। वारे मेरे बेटे, मेरी परवरिश में ही कमी होगी कि मेरा ही बेटा माँ को काला बोल रहा है। क्या है माँ जी, जबरदस्ती इनको कोस रही है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ बहू, तू तो शीशे की तरह साफ है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन तेरे साफ बोलने से कई बार लोगों के दिल टूट जाते हैं, तो वही बोला कर जिससे लोगों का मन खराब ना हो। वैसे अगर मेरे बेटे ने मुझे काला बोला भी तो मैं जानती हूँ कि वो किसी और संदर्भ में बोल रहा होगा। मैं भी ना कभी कभी कैसे बच्चों जैसी बात करती हूँ। सास काम पर लग जाती है और बहू भी। एक रोज, चल बहू जरा मंदिर होकर आते हैं, मंदिर में सब पूछते हैं बहू कैसी है बहू कैसी है। मैंने कहा खुद ही मिल लेना, ले आती हूँ उसे। सास बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की टोली बहू का स्वागत करती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर, बहू कैसा लग रहा है ससुराल में, घर में एडजस्ट हो गई? अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना, शादी जो की है। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है लेकिन। अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। और सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरा गांव का घर बड़ा, बड़े आंगन, खुली रसोई, कमरे, यहाँ शहर में तो लगता है किसी ने टांग दिया है घोंसले में। इसलिए नहीं लगता मन। औरतें बहू की बात पर हंसने लगती है। बड़ी ही सीधी बहू है तेरी, मन की सारी बात करती है किसी के भी सामने। सास बहू घर आ जाती है। मेरा मन करता है कि हम भी ये शहर से थोड़ा दूर रहने क्यों ना जाए, जिससे हम भी बड़े मकान में रह सके। पर माँ जी फिर इनका ऑफिस दूर हो जाएगा, हम तो घर में फिर भी रह लेते, इनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ ये तो सही है, पर क्या करे। मेरी माँ कह रही थी कि तेरे सास ससुर गांव जाकर क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुझे बड़ा लगने लगेगा। तभी ससुर आ जाते हैं। अच्छा तो तूने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूंगी घर में अकेले रहकर, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। चलो कुछ तो अच्छी बात है तेरे में। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम सच्ची गांव चले कुछ दिनों के लिए, कुछ काम भी है गांव में। सास ससुर गांव चले जाते हैं। बहू घर में अकेली थी कि तभी बहू की माँ आ जाती है। हाय रे कितना प्यारा सजा है तेरा घर, वैसे बुढ़ा बुढ़ी कब आ रहे हैं? माँ मेरी सास अभी बूढ़ी नहीं हुई है, और बुरा मत माना, तू ज्यादा बड़ी लगती है उनसे। चुप कर,
माँ हूँ मैं तेरी और सास की गुण गा रही है। वैसे बेटी शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश मैं भी रह पाती शहर। हाँ तो आ जाना माँ, भाई को बोल यही नौकरी करे, पिताजी भी कोई काम शहर में कर लेंगे और तू भी देख लेना कोई काम। क्योंकि माँ जितना आराम गांव में है ना शहर में नहीं है, यहाँ तो हर चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलियान। तेरे सास ससुर परमानेंट गांव चले जाए तो मैं यहाँ तेरे पास रह लूं, रोज घूमूं फिरूं शॉपिंग करूं, शहरी मेम बनकर रहूं। ऐसे तू क्या ये साड़ी सूट में रहती है, अरे तू भी शर्ट पैंट पहना कर। तुम कहती हो तो मैं कल ही लेकर आती हूँ। शॉपिंग करने चलेंगे ना। बेटी शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये क्या पहना है, तुम तो साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी हमने बेटी शहर में ब्याही है, यही सब पहनाना था, तो वो कल्लू का बेटा जो गांव में था वो ठीक नहीं था क्या, उससे ना करवा देती शादी। माँ कल्लू का बेटा तो गूंगा था ना, उससे कैसे कर लेती शादी, और उसे तो मैं भाई मानती हूँ। कुछ भी मत बोला करो माँ। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा बेटी मैं तो चली, तेरी सास कभी भी आ सकती है तो माँ से मिलकर जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं वो क्या है ना, बंधन में रहना पसंद नहीं है हमको, समधन जी की जबान तेज है थोड़ी। बुरा मत मानना, चलते हैं। माँ तो चली जाती है लेकिन पीछे से बेटी को पहना कर जाती है वेस्टर्न कपड़े, और माँ के जाने के बाद एंट्री हो जाती है सास ससुर की। बहू खड़ी होती है पैंट शर्ट में। बहू ये क्या पहना। बहू इस घर में ये सब नहीं चलेगा, यही सब वाली लड़की लानी होती तो हम शहर की ना ले आते। माँ जी मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। तेरी माँ आई थी क्या। हाँ वो आप लोग गए थे ना तो आ गई शहर घूमने। तो फिर चली क्यों गई। क्योंकि माँ जी की जबान तेज है ना। अरे क्या बोली जा रही हो। क्यों अभी यही तो बोला था माँ ने, तुमने नहीं सुना था क्या। देख बेटा ऐसी बात नहीं करते, खैर जा कपड़े बदल ले। नहीं अगर बहू तुझे ठीक लग रहा है तो बेटा पहन ही रह। पर मुझे ये टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते, वो क्या है ना साड़ी में फ्री रहती हूँ, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा तो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं भी तो माँ ही हूँ ना, मैं भी कह रही हूँ कि जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि बहू शीशे सी साफ है। संस्कारी बेटी। शालिनी की उम्र लगभग 28 साल की हो चुकी थी लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। शालिनी के मम्मी पापा सरला और महेश जी ने कभी उसकी शादी के लिए कुछ ज्यादा कोशिश भी नहीं की। शाली मन ही मन चाहती थी कि दूसरी सहेलियों की तरह उसका भी घर बस जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से ये बात कहती भी तो कैसे कहती। माँ जानती है मेरी सहेली है ना शीतल, उसे बेटी हुई है, बड़ी प्यारी बच्ची है उसकी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी शादी भी तो 4 साल पहले हो गई थी ना। अब क्या करें बेटा, चाहते हैं तो हम भी यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, और अभी मेरी इतनी उम्र भी तो नहीं हुई है। अच्छा शालिनी बेटा क्या है ना, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और मुझे किटी पार्टी में जाना था, तो इस महीने तेरी तनख्वाह आ जाए तो एक नई साड़ी दिलवा देना बेटा। और बेटा मेरा मोबाइल भी थोड़ा पुराना हो गया है, 6 महीने से इसी को काम में ले रहा हूँ, एक नया मोबाइल ला देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी पापा, और माँ आप तनख्वाह की चिंता क्यों करती हैं, साड़ी तो मैं आपको कल ही दिलवा दूंगी, और रही बात आपकी मोबाइल की तो मैं आज शाम को ही ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगी। अरे भगवान सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे, कितना ध्यान रखती है अपने मम्मी पापा का। पापा आज आप दुकान नहीं जा रहे हैं क्या। वो क्या है ना बेटा, मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है इसलिए आज दुकान जाने का मन नहीं है। पापा दवाई ले लीजिए और अगर हो सके तो चले जाइए, इस तरह दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक आना बंद कर देंगे ना। अरे बेटा तेरे पापा की अब उम्र हो चली है, और तू है ना हमारी कमाऊ बेटी, इतनी अच्छी नौकरी करती है, हमारा ख्याल रखती है, तेरे पापा को चिंता करने की क्या जरूरत भला है।
ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपका फोन ले आऊंगी। और माँ, आपकी साड़ी हम कल लेकर आएंगी। शालिनी के जाने के बाद क्या करे, शालिनी के लिए सच में कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवानी है क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? वो शादी करके इस घर से चली गई तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ जानती हूँ। वैसे भी आपको ना दुकान पर जाने में काम करने में आलस आता है, अच्छे से पहचानती हूँ आपको। हाँ तो क्या हुआ, बेटी नौकरी करती है, जब बच्चे माँ बाप की कमाई पर मजाक कर सकते हैं तो क्या माँ बाप बच्चों की कमाई पर थोड़े दिन चैन से जी नहीं सकते? अरे वो तो हम जी रहे हैं ना, देखा ना हमारी बेटी एक ही बार में हमें मोबाइल और साड़ी दिलाने के लिए कैसे फट से तैयार हो गई। एक दिन सरला की एक पड़ोसन अपने भतीजी का रिश्ता लेकर सरला के घर आती है। सरला बहन, ये मेरा भतीजा है प्रशांत, इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी बहुत दिन से, अचानक से तुम्हारी बेटी का ख्याल आया। इतनी सुंदर और अच्छी नौकरी वाली लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, मेरी बेटी को भी तो तुम्हारा भतीजा पसंद आना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें हमारी लड़की पसंद आ गई और हमने रिश्ता कर दिया। मेरा भतीजा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है, लेकिन हमें भी तो उससे एक बार पूछना पड़ेगा ना। तो बुलाइए ना शालिनी को, उससे पूछ लेते हैं कहाँ है वो। ऑफिस गई है और उसको आने में अभी देर लगेगी। लेकिन तभी शालिनी ऑफिस से आ गई। ये लीजिए, शालिनी भी आ गई, अब आमने सामने ही बात कर लेते हैं। आओ आओ शालिनी बेटा, इससे मिलो, मेरा भतीजा प्रशांत प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करता है। अब बेटा, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? देखो बेटा, सोच समझ कर हाँ करना, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी पापा, प्रशांत की जॉब और उसकी बातें सुनकर मुझे तो काफी अच्छा लगा, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, सारा मामला यहीं के यहीं निपट गया, लड़का और लड़की राजी हैं, तो अब हमें क्या। सरला की पड़ोसन और प्रशांत वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, क्या हुआ मम्मी पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी उस लड़के के साथ। तो क्या हुआ माँ, उस लड़के में कोई खोट है क्या, आपको वो पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी, हमें भी लड़का पसंद है। तो फिर क्या बात है, अगर कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तुम्हारी माँ ये सोच सोच कर परेशान है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब बेटा, हम अपने बारे में सोचकर तुम्हें जिंदगी भर शादी करने से रोक तो नहीं सकते ना। जाओ तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हमारा क्या है, जैसे तैसे जी लेंगे। हाँ बात तो सही है बेटा, कैसे भी करके मैं दुकान का काम कर लूंगा, तुम और प्रशांत शादी करके खुश रहो। अपने माँ बाप की बात सुनकर शालिनी काफी दुखी हो जाती है, उसे लगने लगता है कि वाकई में उसकी शादी हो जाने के बाद उसके माँ और बाप का ख्याल कौन रखेगा। और यही सोचकर वो एक दिन प्रशांत से मिलती है। देखो प्रशांत, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ शालिनी, क्या तुम मेरी किसी बात से परेशान हो? नहीं नहीं प्रशांत, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, अगर मैं भी शादी करके घर से चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा। तो क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? शायद नहीं प्रशांत, और अगर अपने माँ बाप के लिए ये भी करना पड़े तो इसमें गलत क्या है। प्रशांत की सारी बात जाकर सरला के पड़ोसन यानी कि अपनी बुआ को बता देता है। ये सरला तो बड़ी चालाक निकली, प्रशांत वो अपनी बेटी के साथ खेल खेल रही है। कैसा खेल, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे शालिनी बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है, लेकिन ये सरला और महेश एक नंबर के चालाक। बुआ जी आपकी बात सही है, लेकिन अपनी बेटी के साथ भला कोई क्यों चालाकी करेगा? वो तो मैं तुझे कल बताऊंगी, तो कल सुबह मेरे साथ शालिनी के घर चलना,
और फिर अगले दिन। क्या हुआ सल्ला बहन, तुम्हारी बेटी ने तो शादी के लिए मना कर दिया। अब पता नहीं बहन जी क्यों मना कर दिया, हम तो चाहते थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करें। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि शालिनी की शादी प्रशांत के साथ हो जाए, लेकिन अब क्या करें वही नहीं चाहती। आंटी जी, शादी के बाद मुझे अपने माँ बाप की बहुत चिंता रहेगी, उनका ख्याल कौन रखेगा, और इसलिए मैं प्रशांत तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अंधी हो गई हो क्या माँ बाप के प्यार में? पहले जरा अपने माँ बाप से सच तो पूछ लो। कैसा सच? यही सच शालिनी कि ये तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है और तुम इनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो। अरे अरे ये तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ भाई साहब। अब सीधे सीधे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा तरीका निकालूं? हमें माफ कर दो शालिनी, वो क्या है ना, हमारी कोई औलाद नहीं थी और जब तुम छोटी थी तो हमने तुम्हें गोद ले लिया था। तो इस नाते तो मैं आपकी बेटी ही हुई ना। लेकिन तुम्हें गोद लेने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि बड़ी होकर तुम नौकरी करो और हमारे लिए पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम करने में बहुत आलस आता है और ये सच है कि हम ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कभी भी शादी हो। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आपने मुझे गोद लिया, पाल पोस कर बड़ा किया, भले ही उसके पीछे आपका कोई भी इरादा सही, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। शादी तो मैं प्रशांत के साथ कर लूँगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी भर आप दोनों का ख्याल रखूँगी। शालिनी की बातें सुनकर सरला और महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं।